नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांश सौरभ। गोपालगंज मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने आज अचानक पत्रकारों से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार पर बहुत कुछ बोल दिया है, साथ ही साथ कई बड़े खुलासे भी किए। इस मामले को लेकर अब जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। अब जदयू प्रवक्ता है निखिल मंडल, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। अब सुनिए तेजस्वी यादव को निखिल मंडल क्या कुछ कहते हैं। मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें तेजस्वी जी, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो काफी साल पुराना है। दूसरी बात, जो यूपी पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, और बिहार पुलिस प्रशासन जो गोपालगंज को लेके जो मामले हुए हैं उसको लेके तेजी से छानबीन भी कर रही है, साक्ष्य और सबूत के साथ कार्रवाई भी कर रही है। SIT का भी गठन हुआ है। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है। आप एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम एक बार फिर से कहते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, यही एकमात्र सच्चाई है। तो आपने सुना निखिल मंडल जो कि JDU प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि तेजस्वी यादव जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो काफी पुराना है। साथ ही साथ उन्होंने गोपालगंज मामले को लेकर यह भी कह दिया है कि उस मामले की जांच को लेकर SIT का गठन हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जांच में निकलता है। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत जारी है, इस मामले से जुड़े तमाम लोगों को लेकर भी बात की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से प्रहार किया है सरकार पर, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में सियासत और कितना गर्माता है। आप बन रहे हैं लाइन के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।